इकबाल मिर्ची। इस नाम से लोगों का परिचय पहली बार साल 1993 में हुआ था। मुंबई विस्फोट कांड के बाद सुरक्षा तंत्र से लेकर मीडिया तक की सुर्खियों में यही नाम बार बार लिया जाने लगा। फिर लोगों को पता चला कि इकबाल मिर्ची का नाम मेमन इकबाल मोहम्मद भी है। इसके बाद उसके खिलाफ 1994 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, लेकिन तब तक इकबाल भारत से भाग चुका था। उसके भारत से भागने और दुनिया से वजूद मिटने के कई साल बाद फिर से उसकी कहानी हिंदुस्तान की हवाओं में तैरने लगी है। एक काफी मंझे हुए और एनसीपी के पुराने नेता से मिर्ची के नाम जुड़ने की बातें जैसे ही शुरू हुई, इकबाल मिर्ची की पुरानी बातें सामने आकर खड़ी हो गई है। अभी एनसीपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और इकबाल मिर्ची के बीच हुई डील को लेकर एक जांच चल रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इस डील को लेकर जांच कर रही है। ईडी का आरोप है कि एनसीपी नेता के परिवार की ओर से प्रमोटेड कंपनी और इकबाल मिर्ची के बीच फाइनेंशियल डील हुई थी। ईडी ने इस जमीन डील को लेकर प्रफुल्ल पटेल को बुलावा भेजा है। ईडी को मिर्ची के परिवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच फाइनेंशियल डील को लेकर आपत्ति है। आरोप यहां तक है कि इस डील के तहत मिलेनियम डेवलपर्स को मिर्ची का वर्ली स्थित एक प्लॉट दिया गया था। इसी प्लॉट पर मिलेनियम डेवलपर्स ने 15 मंजिला कमर्शियल और रेजिडेंशियल इमारत का निर्माण किया। इसका नाम सीजे हाउस रखा गया। इसके बाद 2007 में कंपनी ने कथित तौर पर सीजे हाउस में 14,000 वर्ग फीट के दो फ्लोर मिर्ची की बीवी हाजरा को एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के तहत दे दिए। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर एक आरोप यह भी है कि उनकी फैमिली की ओर से प्रमोटेड कंपनी और मिर्ची के नाम से कुख्यात दिवंगत इकबाल मेमन के बीच फाइनेंशियल डील हुई थी। पटेल फैमिली की ओर से प्रमोटेड कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मिर्ची फैमिली के बीच हुए लीगल एग्रीमेंट की ईडी की ओर से जांच की जा रही है। ईडी ने इस मामले में प्रफुल्ल पटेल को बुलावा भेजा है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने इन सारी बातों से इनकार किया है। यहीं से सवाल खड़े हुए कि इकबाल मिर्ची कौन है और उसकी कहानी क्या है और क्यों इतना बवाल और बखेड़ा फिर से खड़ा हो रहा है। तो इकबाल की कहानी आतंक से शुरू होकर आतंक पर ही खत्म होता है। कहा जाता है कि इकबाल मिर्ची भारत से भागने के बाद दुनिया के कई देशों में दाऊद इब्राहिम का धंधा संभालने लगा था। दिमाग से जितना शातिर था उससे कहीं ज्यादा तेज किसी भी स्थिति को भांपने वाला इकबाल मिर्ची की पकड़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर थी। मुंबई अटैक से ठीक एक दिन पहले वो हिंदुस्तान को छोड़कर लंदन चला गया, लेकिन मुंबई के माफियाओं के बीच अभी भी उसे नारकोटिक्स किंग कहा जाता है। कहते हैं कि इकबाल के आगे मिर्ची शब्द लगने की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। मुंबई के एक बाजार में उसकी मसालों की दुकान थी और यही कारण था कि लोग उसे इकबाल मिर्ची कहते थे। हालांकि उसके पूरे परिवार का कारोबार ही मिर्च और मसालों का था और इसी वजह से लोग उसके परिवार के ज्यादातर लोगों के नाम में मिर्ची लगाते थे। इकबाल 60 के दशक में ड्राइवर की नौकरी छोड़ चुका था। उसे इस बात का एहसास था कि अगर वह ड्राइवर बना रहा तो अपने सपनों को कभी उड़ान नहीं दे पाएगा। फिर कंटेनर से सामान चुराकर बेचने लगा। तब तक 2 दशक बीत गए थे। इकबाल को खासा नाम नहीं मिला। 80 के दशक में जब मुंबई बहुत तेजी से बदल रहा था, इकबाल के परिवार के लोग चाहते थे कि पुराने कारोबार यानी मिर्च मसाले के कारोबार को वो एक नई धार दे, लेकिन उसने एक नई राह बनाई। पुलिस की डर से बेखौफ होकर इकबाल मिर्ची का गुर्गा मुंबई में ड्रग तस्करी के धंधे में आ गया था। खुद के शब्दों में वो व्यापारी था, लेकिन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वो भारत का उस वक्त का सबसे बड़ा ड्रग कारोबारी था। देखते ही देखते एक दिन ऐसा हो गया कि इकबाल के इशारे पर पूरा मुंबई नाचने लगा। पुलिस अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। उसका रसूख इस कदर हो चला था कि मुंबई पुलिस उस पर कभी कोई आरोप साबित नहीं कर सकी। इकबाल मिर्ची का जाल बड़ा होता चला गया। पुलिस इस बात को जानती थी। नब्बे के दशक के मध्य तक पुलिस को मिर्ची की पहुंच का अंदाजा लग चुका था। उसका व्यापार लगभग सभी महादेशों में फैलने लगा। यह वही दौर था जब एक इंटरव्यू में मिर्ची ने खुद को एक मॉडल बिजनेसमैन बताया और यह भी खुलासा किया कि उसने 2 शादियां की हैं। लंदन में रहते हुए भी उसके ऊपर अपने बिजनेस को बढ़ाने का आरोप लगा। इसी दौरान एक बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी के आरोप में लंदन में वो गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मिर्ची के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए और वहां की अदालत ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण की मांग को खारिज कर दी। स्कॉटलैंड यार्ड की मिर्ची के खिलाफ जांच साल 1999 में खत्म हो गई और जांच में उसके खिलाफ किसी प्रकार के आपराधिक क्रियाकलाप के सबूत नहीं मिले।
आखिरकार मिर्ची निर्दोष घोषित कर दिया गया। इस बीच में कई बार उसे दाऊद का सबसे खास बताया गया, हालांकि किसी भी मामले में ऐसा साबित नहीं हो सका कि वो दाऊद का बहुत करीबी है। यह हमेशा से कहा जाता रहा है कि लंदन में मिर्ची एसेक्स के पॉश इलाके में रहता था और उसके पड़ोसी उसके बारे में खूब बातें भी करते थे। ऐसा भी माना गया कि जीवन के आखिरी सालों में मिर्ची अपना नाम इन तमाम आरोपों से दूर करने के लिए बहुत बेचैन था। एक दो बार किसी इंटरव्यू में इकबाल मिर्ची ने खुद बताया कि उसे अपने जन्मभूमि की काफी यादें आती है, हालांकि उसके भारत लौटने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। वो चाहता था कि वो फिर से हिंदुस्तान लौटे, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर साल 2013 में हार्ट अटैक से उसकी लंदन में ही मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भी मिर्ची का नाम कुछ कुछ सालों में सामने आते रहता है और ऐसा लगता है कि मौत के बाद भी इकबाल मिर्ची ने खूब सारा मसाला छोड़ दिया है जो कुछ कुछ दिनों पर सामने आ ही जाएगा।